और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि समय के हिसाब से आपको जॉब को परिवर्तित भी करते रहना है। कई सारे लोग जैसे कि एक कंपनी को ज्वाइन किए, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, अब क्या होता है उनको सारा काम पता चल चुका है, बड़े इफेक्टिव कंफर्टेबल लाइफ में आ जाते हैं। अगर आप 20+ हो, ये आपका सही टाइम नहीं है कंफर्टेबल होने का। कंफर्टेबल होने के लिए बाद में बहुत देर उम्र बाकी हुई है, तो आपको पहली चीज ध्यान देनी है करियर का चुनाव। चाहिए आपने करियर का चुनाव कर लिया, दूसरी चीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया क्या। अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। कब? जब आप एक करियर में हो, सपोज आप एक जॉब में हो, अब आपको दूसरे जॉब में जाना है, अब आप डरते रहोगे कि यार दूसरे कंपनी की तैयारी करो, कहीं पहली कंपनी से मैं फायर हो गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। बहुत हेल्प करता है अगर वहां पर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज, 1000 रुपीज के आप SIPs के माध्यम से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIPs के लिए वैसे बहुत ढेर सारे ऐप हैं, बट मैं ग्रो को प्रीफर करता हूँ क्योंकि ग्रो का चार्जेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर।